रिलायन इलाके में अवैध रूप से बनी दो बिल्डिंगों पर सुबह से बाबा का बुलडोजर चल रहा है। ये दोनों बिल्डिंग चड्डा ग्रुप की बताई जा रही हैं। सुबह से दो जेसीबी अवैध निर्माण को ढाने में लगी हुई हैं। सुरक्षा की दृष्टि से भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौजूद है। योगी सरकार बनने के बाद मुरादाबाद में पहली बार योगी का बुलडोजर गरजा है। सिविल लाइन इलाके में डीआईजी ऑफिस से पहले बने गैलेक्सी अपार्टमेंट के भारी छोर के दोनों किनारों पर बनी दो बिल्डिंगों को गिराने के लिए सुबह ही विकास प्राधिकरण की टीम में बुलडोजर के पहुंच गई थी और जैसे ही चड्डा ग्रुप के निर्माण पर बाबा की जेसीबी ने काम करना शुरू किया, इस कार्यवाही को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। विकास प्राधिकरण के अनुसार ये गोविंद हाउसिंग सोसाइटी द्वारा बनाई गई थी जो नक्शे के अनुसार नहीं है, इसलिए अवैध निर्माण ढाया जा रहा है। गैलेक्सी अपार्टमेंट के गेट पर मौजूद गार्ड ने खुलकर बताया कि ये दोनों चड्डा ग्रुप की ही हैं। हालांकि प्राधिकरण के अधिकारी चड्डा ग्रुप का नाम लेने से बचते नजर आए हैं। ये सर चड्डा सर की है। अच्छा, तो ये क्यों चल रहा है? ये सर गैर कानूनी है इसलिए सर। अच्छा, तो ये जिसमें आप ड्यूटी कर रहे हैं ये किसकी है? ये भी चड्डा सर की है सर। इस सोसाइटी का क्या नाम है? गैलेक्सी अपार्टमेंट सर। और ये सामने इसके आगे जो बनी हुई थी दो, ये भी सर गैलेक्सी अपार्टमेंट की दूसरी बिल्डिंग बनने वाली है। अच्छा, लगभग कै साल पहले बनी थी ये? वो भी सर 4-5 साल पहले। अच्छा, तो आप चड्डा ग्रुप का कोई आदमी आया है यहाँ पर? अभी तक सर कोई नहीं आया। अच्छा, तो कब से चल रही है ये तोड़ने की कार्रवाई? इधर सुबह 9 बजे चल रही है सर। अच्छा, क्या नाम है आपका? सर नितेश कुमार। ये गोविंद सहकारी समिति के नाम से ये जो जगह थी उन्हें ये बिल्डिंग बनाई थी और इसका मानचित्र जो स्वीकृत था मानचित्र स्वीकृत के विपरीत इन्होंने जो विचलन करके जो हिस्सा बनाया है हम लोग उसको आज तोड़ रहे हैं। ये कब बना था, कब से मतलब कितना पुराना हुआ? मैं ये तो नहीं अभी एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जब से ही बना है अभी फिनिश नहीं हुई है, बिल्डिंग निर्माणाधीन है अभी, तो हम लोग इसको बीच में निर्माणाधीन के दौरान ही इसको जो है जो असमनीय भाग है उसको तोड़ रहे हैं। लैंडलॉर्ड मैं बताया, गोविंद सहकारी समिति है इसकी, नहीं उन्हीं के नाम है, मैं उसमें तो नहीं है साहब, गोविंद सहकारी समिति के नाम ये ज़मीन है मैं इतना जानता हूँ, उन्हीं के नाम से ये गोविंद सहकारी समिति का, मैं इसके बारे में नहीं कह सकता हूँ कि किस ग्रुप का है, ग्रुप के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन ये समिति जी के नाम से ज़मीन है उन्हीं की है, मैं इस बारे में नहीं ज़्यादा बता नहीं सकता हूँ क्योंकि ये जो असमनी भाग है केवल उसको तोड़ा जा रहा है। ये वाकया आपके संज्ञान में कितने समय पहले आया था? मैं अभी यहाँ 6 महीने से MDA में हूँ और ये तो पूरा सिस्टम का है, हमारे अकेले संज्ञान मांगने की बात नहीं है, जब से आया हुआ है तब से इस पर कार्रवाई चल रही है, ऐसा प्रॉपर नियमानुसार इसमें कार्रवाई हुई है, डिमोलिशन ऑर्डर हुआ है, उनको पर्याप्त समय दिया गया है, उसके बाद ये कार्रवाई हुई, जो प्रोसेस लगता है प्रोसेस में उतना समय लगा है। अभी इसकी जानकारी नहीं है कि समिति के पदाधिकारी कौन है? नहीं, पदाधिकारी का मुझे नहीं पता है, ये गोविंद सहकारी समिति के नाम है मुझे ये पता है।